नशे की गोली का सेवन कर दो युवकों ने अपराधी को मौत के घाट उतार दिया। यह वारदात बुधवार की दोपहर कलमना की चिकली पुलिया की है। मृतक आकाश माता दिन मोरे की चिकली में झोपड़पट्टी है। आरोपी विक्की उर्फ विशाल नागनेन्द्र और रोहित देशमुख बताए जा रहे हैं। आकाश और आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। आकाश का आरटीओ कार्यालय के पास पान ठेला है। वह दबंग स्वभाव का है। विक्की लावारिस है। विक्की और रोहित को नशे की लत है। उनका 2-3 बार आकाश से विवाद हुआ था। मंगलवार को आकाश ने बेल्ट से दोनों की पिटाई कर दी। इसके बाद उन्होंने आकाश की हत्या करना तय कर लिया। दोनों ने लकड़गंज परिसर से नशे के लिए इस्तेमाल नाइट्रोटेन दवा खरीदी। इसका सेवन करने के बाद दोनों दोपहर बाद चिकली पहुंचे। चिकली पुलिया के नीचे आकाश जुआ खेल रहा था, तभी दोनों ने उसे दबोच लिया। उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया और धारदार हथियार से गोद डाला। आकाश की दिनदहाड़े हत्या से परिसर में दहशत है। नशे की दवा लेकर अपराधी या नाबालिगों द्वारा हत्या करने की बात लोकमत्र समाचार ने समय समय पर उजागर की है। इसे देखते हुए पुलिस ने गत दिनों विशेष मुहिम भी चलाई। इसके बाद भी हालात जस के तस है। ताजा वारदात इसकी ही गवाही दे रही है। आरोपियों को नशे की गोली उपलब्ध कराने वाले पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। काल कमना पुलिस स्टेशन हद्दीत आरटीओ ऑफिस मागे आकाश मोरे या युवकाचा खून झालेला आहे। आरोपी विक्की उर्फ विशाल आणि रोहित देशमुख असे दोन आरोपी आहेत। घटनेच्या आदल्या दिवशी विक्की आणि रोहित आणि आकाशचं यांच्यात आपसात वाद झाला। त्या वादाचा राग मनात धरून काल आकाश हा त्याचा मित्र टोनी यादव आणि प्रवीण गजबे याच्यासोबत आरटीओ ऑफिसच्या मागील पुलावर खाली बसलेले असताना अचानक विक्की आणि रोहित तेथे आला। त्यांनी विचारलं, आकाश तू या कैसा, असं बोलून मागून चाकूने त्याच्यावर हमला केला। तो पळून जायला लागला, परत त्याच्यामागे पळाले आणि त्याच्या पोटावर वार केला। आकाश खाली पडला आणि दोघं आरोपी तिथून पसार झालेले आहेत। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।